कहीं घूमना हो तो हम लोग सबसे पहले अपनी जेब टटोलते हैं। सही भी है, पैसे के बिना कहीं भी घूमना मुश्किल है, लेकिन पैसे की आफत ऐसी है कि अगर पैसे कम हो जेब में तो अक्सर लोग बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। अगर ठीक ठाक कमा रहे हैं तो साल में वैसे एक बार घूमना बनता है, इसलिए आज हम आपको विदेश की कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे जो खर्च के लिहाज से भारत के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घूमने से भी ज़्यादा सस्ती या फिर लगभग बराबर पड़ेंगी। और कमाल की बात यह है कि इन देशों में हमारे देश के एक रुपए की वैल्यू इनकी करेंसी के मुकाबले ज़्यादा है। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप कम बजट में भी विदेश की ट्रिप कर सकें। अगर आप इच्छा रखते हैं और पैसे के कारण प्लान कैंसिल करते रहते हैं तो चिंता ना करें, हम आपको नेपाल नहीं ले जा रहे। वैसे तो नेपाल भी घूमने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन हम थोड़ा दूर की ट्रिप पर चलते हैं। सबसे पहली डेस्टिनेशन है वियतनाम। वियतनाम साउथ चाइना सी पर बसा है और चाइना, लाओस और कंबोडिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ आपको घुमावदार पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और धान के खेत खूब देखने को मिलेंगे। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। भारत का एक रुपया 294.81 वियतनामी डोंग के बराबर है। इस लिहाज से देखें तो ये देश आपको काफ़ी सस्ते में विदेश घूमने का मजा दे सकता है। यहाँ जाने के लिए दो लोगों के लिहाज से एयर फेयर पर पर्सन 12,000 से 15,000 रुपये रहेगा। हालांकि ये आपके बुकिंग के समय के लिहाज से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो लोगों के जाने का खर्च आप 24,000 से 30,000 रुपये मानकर चल सकते हैं और राउंड ट्रिप के लिहाज से 50,000 रुपये और बाकी जितना पैसा आप वियतनाम में खर्चना चाहें वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर एक लमसम अंदाज़ा लें तो आप यहाँ पर 60,000 से 80,000 रुपये खर्च करके एक विदेश यात्रा करके लौट कर आ सकते हैं। चलिए अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, यानी हंगरी की उड़ान भरते हैं। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल बुदापेस्ट है और ये बेहद ही शानदार जगह है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हंगरी की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले कमज़ोर है। हंगरी की करेंसी हंगेरियन फोरिंट है। भारत का एक रुपया 4.33 हंगेरियन फोरिंट के बराबर है, यानी यहाँ भी आप अपने एक रुपये का 4 गुना मज़ा ले सकते हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए टिकट का खर्चा महंगा पड़ता है, लेकिन जा भी तो आप यूरोप रहे हैं। यहाँ जाने के लिए दो लोगों के लिहाज से एयर फेयर पर पर्सन 27,000 से 30,000 रुपये तक होगा, यानी दो लोगों का खर्च बैठेगा तकरीबन 60,000 रुपये और राउंड ट्रिप 1,20,000 रुपये बैठेगा। बाकी आपके खर्च करने के ऊपर है, जितना चाहे उड़ा लीजिए, लेकिन एक लमसम अंदाज़ा आप लेकर चल सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपये में आप यहाँ पर भी घूम कर आ सकते हैं। चलिए अगली डेस्टिनेशन की बात करते हैं, यानी जापान की फ्लाइट पकड़ते हैं। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देश का लगभग 3/4 भूभाग पहाड़ी वाला है। ये पूरा देश दुनिया से काफ़ी आगे की लाइफ जी रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको यहाँ खूब देखने को मिलेगी, खासकर जापान के टोक्यो में। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ की करेंसी भी भारत की करेंसी के मुकाबले कमज़ोर है। चौंके मत, यही सच है। जापान की करेंसी जापानी येन है। भारत का 1 रुपया 1.81 जापानी येन के बराबर है, यानी यहाँ भी आप अपने 1 रुपये का 2 गुना मज़ा तो ले ही सकते हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए भी आपको बजट ठीक ठाक रखना होगा। टिकट का खर्च देखें तो दो लोगों के लिहाज से एयर फेयर करीब 70,000 बैठेगा और राउंड ट्रिप 1,40,000 तक बैठेगा। बाकी आपका खाने पीना, मौज मस्ती, जितना आप खर्चना चाहें, लेकिन एक लमसम अमाउंट 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ के लिए भी आपको लेकर चलना होगा। तो ये वो 3 डेस्टिनेशन है जहाँ आप रीजनेबल बजट लेकर घूमने का प्लान बना सकते हैं और यहाँ आपको अपने 1 रुपये की ताकत दिखाई देगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।